हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल रे। एक क्लास रे आम बीडी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर रो हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। 2020 मसीह रो दुईटी शिफ्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा एवं एही सीरीज माध्यम रे आम 2014 मसीह रो 2022 मसीह पर्यंत समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करबा, समस्त शिफ्ट रो हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो। एवं आपण जदि देखिबा पय चाहंती ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जॉइन होंतु, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछे। एवं अन्य समस्त क्लास करिना ताहेले आपण प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे। एवं एहा होची पार्ट नंबर 17 नंबर पार्ट अटे। एहा पूर्व रे आमे 16 टी पार्ट रे 2014 मसिया रु 2020 मसिया पर्यंत समस्त शिफ्ट को डिस्कशन करि सारुचे। एवं एहा होची 2020 मसिया रो लास्ट शिफ्ट अटे, लास्ट दुईटी शिफ्ट। तेणु आरंभ करबा क्लास को। आपण बीडी एग्जाम पय क्लास करबा पय चाहंती ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु बा अन्य एग्जाम पय मध्ये। वर्तमान बीडी एग्जाम 2023 मसे पय क्लास चली छि। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट कन्फर्म दैट राम मोहन राय टुक ए कीप इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल इवेंट एंड एवरीवेयर ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेसी एवं नेशनलिज्म। राम मोहन राय कोन करथिले? लिबर्टी डेमोक्रेसी एवं नेशनलिज्म एहा को सपोर्ट करथिले। एहा अनुसार कोटा सटीक स्टेटमेंट अटे इंटरनेशनल इवेंट रे, कोटा सठिक सठिक आंसर हम। ही सेलिब्रेटेड द सक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशन इन स्पैनिश अमेरिका। स्पैनिश अमेरिका रे कौन करुथले? से सेलिब्रेट करुथले सक्सेस रो, रिवॉल्यूशन रो। यहा दर्शाई थे कि से सपोर्ट करुथले लिबर्टी डेमोक्रेसी एवं नेशनलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट आज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्वयुद्ध रो तहार अनेक गुड़े कारण थिला, जमीतक मिलिटरीजिम, एलायंसेस, एभली विभिन्न प्रकार कारण थिला। तेणु कोटा तहार इमीडिएट कारण अटे। एवं प्रथम विश्वयुद्ध केबे होतिला? 28 जुलाई 1914 मसीहारु 11 नवंबर 1918 पर्यंत होतिला प्रथम विश्वयुद्ध। कोटा होतिला स्टार्ट केबे होतिला? एसोसिएशन ऑफ आर्डिक फ्रेंड फर्डिनेंड। आर्डिक फ्रेंड फर्डिनेंड को जो सर्बिया रो जो ब्लैक हैंड नामक ग्रेविलो प्रिंसिप गोली मारिथिला सेरा कोन हैला स्टार्ट होइथिला युद्ध टी बा तहार इमीडिएट कारण थिला। हु सेड दिस फॉर राजा राम रे? राजा राम राय को एही स्टेटमेंट किए देथिले? रामाने वाज द ओनली पर्सन इन हिज टाइम इन द होल वर्ल्ड ऑफ ए मैन टू रियलाइज कंप्लीटली द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न एज। या के कहिथिले राम मोहन राय को? किए कहते रवींद्रनाथ टागोर कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी परस्यूड द मुगल एम्पायर औरंग टू इश्यू ए फेयरमैन ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। व्हाट इट इम्प्ले? मैंने कौन अटे से ड्यूटी फ्री पाई कौन देते ग्रांट करते औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी को? माने कौन अटे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्स इन मुगल टेरिटरी। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कर मुगल टेरिटरी रे कौन से पैसा देव ना बा टैक्स देव ना, या किए फ्री करते औरंगजेब। द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट रे माने कौन अटे? जुडिशियल रिव्यू कौटे लिखा जाए? आर्टिकल 13 रे लिखा जाए कि जदि आम देश में कौन से आईन तैयारी करा जाए, लॉ तैयारी करा जाए, ताहा जदि अनकन्स्टिट्यूशनल बा आम फंडामेंटल राइट को बा कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन कर दे ताके का पाखरे अछि? जुडिशियरी पाखरे बा सुप्रीम कोर्ट पाखरे अछि कि ताहाकु अनकन्स्टिट्यूशनल घोषणा कर दे पारिबो बा रिमूव कर दे पारिबो, माने कौन अटे? टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कौन करिबो? एग्जामिन करिबो। डी हेबो यार सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 अनुसार किसी स्टेटमेंट दिया एवं कंक्लूजन दिया जाए कोटा यार सटिक आंसर है? जर्मनी प्लेज इट सपोर्ट टू ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी सेंट एन अल्टीमेशन टू सर्बिया विथ हार्श टर्म। ऑस्ट्रिया हंगरी कुड नॉट थ्रन सर्बिया इन एब्सेंस ऑफ जर्मन सपोर्ट। ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू स्टार्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी वाज ए स्ट्रंग नेशन। ऑस्ट्रिया हंगरी ऑलवेज सोट जर्मन सपोर्ट। कोटा सठिक यार आंसर है?
जर्मनी वाज ए स्ट्रंग नेशन, यह सठिक आंसर है फास्ट और थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द फंडामेंटल राइट वेयर एम्बोडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एनश्योर द व्हाट, कौन आमको दर्शाई थाए फंडामेंटल राइट बा कौन सुनिश्चित करी थाए, कौन करी थाए आमको इंडिविजुअल लिबर्टी को सुनिश्चित करी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवेन बाय ए ब्रिटिश ऑफिसर इम्प्ले, आवर सिस्टम एक्ट वेरी मच लाइक ए स्पंज ड्रइंग अप ऑल द गुड थिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ द गैंगेस एंड स्क्वेजिंग देम डाउन ऑन द बैंक ऑफ द थेम, माने कौन अटे, कौन अटे ड्रेन ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, भारतर संपत्ति कोठा को नेबा ब्रिटिश को नेबा बा इंग्लैंड को नेबा, एवं यह पुस्तक किए लिखी थे ड्रेन ऑफ वेल्थ, यह लिखी थे दादा भाई नारोजी। द कोच सरबजीत राय भरसा डीईआरसी, डीईआरसी माने कौन अटे, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमिशन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमिशन, सरबजीत राय भरसा दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमिशन इन द लेट 2006 इज रिलेटेड टू हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, यह कहीं होता है केस कहीं होता है राइट टू इनफर्मेसन होता है, राइट टू इनफर्मेसन होता है, और राइट टू इनफर्मेसन को फंडामेंटल राइट रे केड कर 2005 मसीह एड कर 2005 मसीह एड कर कौटार 19 ए पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट अगेंस्ट व्हाट, प्रोहिबिशन रिट केते बेले जारी करी थांदे के हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, केते बेले करी थांदे जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी रे करा जाय थे बा या के समय रे करा जाय थे, बिफोर जजमेंट, जजमेंट आसीबा पूर्वरो कोनसी कोर्ट कोनसी केसटी पेंडिंग अछि सही समय रे करा जाय थे, एवं या को जाय रे करा जाय थे लोअर कोर्ट रु अपर कोर्ट को करा जाय थे बा लोअर कोर्ट रु ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल रु अपर कोर्ट को, हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, किए इलेक्ट होती राज्यसभा को, बा कौ जगार होता कौटार इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रु स्टेट रु कह इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट डिड द क्रिप्स मिशन फेल, फेल क्रिप्स मिशन कहीं फेल होता कहीं कांग्रेस कौन डिमांड करता इमिडिएट ट्रांसफर, इंडियंस मानक कौन इमिडिएट ट्रांसफर करने कहला कांग्रेस डिमांड इमिडिएट ट्रांसफर ऑफ इफेक्टिव पावर्स टू इंडियंस बा सहित अन्य कौन कहला द्वितीय विश्वयुद्ध में आम देशर सेकेंड वर्ल्ड वार आम देशर डिफेन्स मिनिस्टर हे इंडिया यह कहला यह डिमांड करूला से क्रिप्स मिशन फेल हो जाता यार अध्यक्ष किए थे स्टाफोर्ड क्रिप्स थे से आसिक कौन कहते आम देश कि द्वितीय विश्वयुद्ध में जब जॉइन कर इंडिया तेल आम आपण को स्वाधीनता देदेबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन जून 17, 1789 इन फ्रांस, ता अनुसार कौटा सठिक अटे, ओनली द थर्ड स्टेट वार पार्ट ऑफ इट, ए नेशनल असेंबली रे कौन होते थर्ड स्टेट रोक मैंने जाते सठिक अटे, इट व्वाज इनिशियली रेकग्नइज बाय किंग लुइस एक्सबीए यह करें तेणु यार सठिक आंसर कौन हम फास्ट टी करेक्ट हे और सेकेंड टी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इन 1809 राम मोहन राय रोट हिज फेमस वर्क गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यह किए लिखी थे 1809 मसीह गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखे राम मोहन राजा राम मोहन राय लिखी थे पर्सियन भाषा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस वर्क, एवं यही वर्क अनुसार कौटा सठिक स्टेटमेंट अटे, यह कहीं यह अनेक गड़ को से एगेस्ट रे अधिक भगवान रार एगेस्ट रे ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट फिदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया, किए थे फास्ट गवर्नर जनरल, किए थे वेरेंग हास्टिंग, वेरेंग हास्टिंग थे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बा
କିଏ ଥିଲେ ବେଙ୍ଗାଲର ଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବେଙ୍ଗାଲ ଥିଲେ, ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ 1773 ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବେଙ୍ଗାଲର ପଦବୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି କ'ଣ କରାଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କରି ଦିଆଗଲା। ଏ ମୁଗଲ୍ସ ୱାରେନ୍ ଫର୍ କ୍ଲେଭରି, ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ମୁଗଲ ଯଦି କ୍ଲେଭରି ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବିଲିଫ୍ସ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଫର୍ ଦ ଅପୋଜିସନ୍ ଟୁ ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବା ତାହାର ମେନ୍ ଅପୋଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଓମେନ୍ ଡ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ମେନ୍, ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଓମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ମେନ୍ ଉପରେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଫଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଦ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 1920, 1920 ମସିହାରେ କେଉଁ ଫଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ, କେଉଁ ଫଣ୍ଡ, ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦ ଚୋରି ଚୋରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ସେ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ, ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହୋଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ କାହିଁକି ସେ ଚୋରି ଚୋରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ପିପୁଲ ହେଡ୍ ନାଇଦର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ନର୍ ଲର୍ନ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ସେମାନେ ରୋକି ପାରୁନଥିଲେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଭାଇଲେନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଚୋରି ଚୋରା ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ସେମାନେ ଜାଲି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ। ଇଫ୍ ଏ 10 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ବଏ ଇଜ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଇନ୍ ଏ ହେଜେଡିୟସ୍ ଜବ୍ ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ହ୍ୱିଚ୍ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇଲେଟେଡ଼୍, ଯଦି 10 ବର୍ଷର ଜଣେ ବାଲକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଇଟ୍କୁ ସେ ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, କେଉଁ ଆକ୍ଟକୁ ସେ ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏହା କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହି ଆର୍ଟିକେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟର, ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ସିଫ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା ବା 2020 ମସିହାର ଲାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟର। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଟୁ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ର ଦୁଇଟି ସେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 6 ମନ୍ଥ, 6 ମନ୍ଥରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାପ୍ ହେବ ନାହିଁ। କେତୋଟି ସେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ, 3ଟି ସେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ବଜେଟ୍ ସେସନ୍, ମାନସୁନ୍ ସେସନ୍ ଏବଂ ୱିଣ୍ଟର୍ ସେସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ବିଷୟରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 168ରୁ 212 ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପାର୍ଟ VI ପାର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଏହା ଏଠାରେ କିଏ ଡାକିଥାନ୍ତି ସେସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡାକିଥାନ୍ତି 174 ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କେବେ କରାଯାଇଥିଲା, 1791 ମସିହାରେ, 1791 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1789 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏବଂ ଏହାର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଟେ, ଲେ ମାର୍ଶାଲିଜ୍ ଅଟେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୋସାଇଟିକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, 3ଟି, କ୍ଲର୍ଜି, ନୋବେଲ୍ଟ ଏବଂ ନୋବେଲିଟି ଏବଂ କମନର୍ସ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସୋସିଆଲ ଇଭିଲ୍ସ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅପୋଜ୍ ବାଇ ରାଜା ରାମ ରାୟ, ରାଜା ରାମ ରାୟ କେଉଁଟାକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଟାକୁ, ସତୀକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1829 ମସିହାରେ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇ, ରାଜା ରାମ ରାୟକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ସପୋର୍ଟ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ ଏସାଇନ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, 1885 ମସିହାରେ ବମ୍ବେଠାରେ ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ କଲେଜ ବମ୍ବେଠାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା,
हुई ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल रिगार्डिंग द सेकेंड फेज ऑफ ब्राह्म समाज दैट वॉज दैट स्टार्टेड आफ्टर देवेंद्रनाथ टैगोर रेकग्नाइज इट अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर रेकग्नाइज कर सेकेंड फेज ऑफ ब्राह्म समाज ए कौन कर ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଇଟ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଅଟେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଫ୍ଡ ମୋଗଲ ଅଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ ଗିଭିଂ ଦ କମ୍ପାନୀ ଜମିନ୍ଦାରୀ ରାଇଟ୍ସ ଓଭର ଥ୍ରୀ ଭିଲେଜେସ୍ ଇନ୍ 1696 ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିଗେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ଫୋର୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେୟାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହୁଗଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାହାର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସର ୱେର୍ କରପ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେମ୍ସେଲ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ହେବ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଏମ୍ପିୟର ଏହା ରଙ୍ଗ ଅଟେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସର ଲାଇକ୍ ବ୍ରେକିଂ ରୁଲ୍ସ ବ୍ରେକିଂ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟି ରାଇଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫୋର୍ଥଟି ରଙ୍ଗ ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହାଉ ଡିଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦେୟାର ମୋନୋପଲି ଅନ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ହାଇରାର୍କି ଆଫ୍ଟର 1793 1793 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୋନୋପଲି କିପରି କରିଲେ ପୋଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ମୋର ଦେନ୍ ସେଲେରି ଅଫ 500 ଏ ଇୟର୍ ୱେର୍ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ଇଂଲିଶମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାହାର ଲିଡର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ $5,000ରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି କରୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 79ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଇଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ କାହିଁକି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ପାୱାରକୁ କାହିଁକିନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ଆର୍ଟିକଲ 13 ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଭାଇଲେସନ୍ କରିବା ବୋଲିଆ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଭାଇଲେସନ୍ କରିବା ବୋଲିଆ ଲ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ଆର୍ଟିକଲ 13 ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆମେରିକାରୁ ନିଆଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କେଉଁଠାରୁ ନିଆଯାଇଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ କିପରି ନାଗରିକତା ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ସେମିତି ୟୁଏସ୍ଏରେ କିପରି ଥାଏ ଡବଲ୍ ନାଗରିକତା ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେବ ୟୁକେରୁ ନିଆଯାଇଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍କୁ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ XBI ୱାଜ୍ କଣ୍ଡେମ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ଅନ୍ January 21 1793 ହ୍ୱାଟ୍ ୱାର୍ ଦ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିମ୍ କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ XBIଙ୍କର ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ 1793ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାର୍ଜ ଲଗାଯାଇଥିଲା କେଉଁଟା ହାଏଷ୍ଟ ଟ୍ରିଜନ୍ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏହି ଚାର୍ଜ ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କିଙ୍ଗ ଲୁଇସ୍ XBIଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଛି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ୱାଜ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଏନ୍ଲାଇଟେଣ୍ଡ ଥିଙ୍କର୍ସ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ଫଲୋ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ତେଣୁ ବୋଥ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଟ୍ ଦିବାନି ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଆଫ୍ଟର 1772 1772 ମସିହାରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିଲା ଦିବାନୀ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ରାଇଟ୍ ପାଇଲା ହାଉ ଡିଡ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କିପରି ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଦି କୁଡ୍ ୟୁଜ୍ ଦ ଭାଷ୍ଟ ରେଭେନ୍ୟୁ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଅନୁସାରେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ
इफ एन इंडियन रूलर डाय विदाउट ए मेल देयर हिज टेरिटरी विल बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अर्थात ये डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ पॉलिसी द्वारा कौन कराइला जो राजा निजर बायोलॉजिकल चाइल्ड ना आम देशर से राजा को किए नहीं जाऊ ब्रिटिशर मैंने नहीं जाऊते यहाँ कौन कर सेने सर्वप्रथमे कोटा को नहीं थे सतारा को नहीं थे सतारा को नहीं थे 1848 मसीह यह अनुसार कोटा सठिक स्टेटमेंट अटे। इंडियन रूरल कोड एडॉप्ट विदाउट लेटिंग इट नो टू ब्रिटिश। इंडियन रूरल वेर नॉट अलाउड टू मैरी मोर देन वन्स यह ना यह सब तो नाला यह ना फास्ट और सेकेंड हे ना। इंडियन रूलर हैड टू गेट द बर्थ ऑफ देयर हेयर रजिस्टर्ड विथ द ब्रिटिश यह सठिक अटे। फीमेल वेयर नॉट कंसीडर्ड देयर द थ्रोन अर्थात फीमेल मैंने राजा हो पार नाते तेणु यार सठिक आंसर कौन हो थर्ड और फोर्थ हे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ डिड विद्यासागर अटेम्प्ट टू एलो नॉन ब्राह्मिन स्टूडेंट इन संस्कृत कॉलेज इंपैक्ट सोसाइटी। विद्यासागर कौन करते ईश्वरचंद्र विद्यासागर नॉन ब्राह्मिन स्टूडेंट को संस्कृत कॉलेज रे एडमिशन कर देते यह द्वारा कौन होता नॉन ब्राह्मिन स्टूडेंट मैंने कौन कर संस्कृत पढ़ी पारे तेणु कौटा है यार सठिक आंसर नॉन ब्राह्मिन स्टूडेंट को स्टडी द संस्कृत स्क्रिप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन 1938 मसीह सुभाष चंद्र बोस कौन होते प्रेसिडेंट होते 1939 मसीह रिजाइन करदे कौटू इंडियन नेशनल कांग्रेस रु कहीं से गांधीजी सहित से नॉन वायलेंस से वायलेंस प्रोसेस को जाते वायलेंस प्रोसेस स्वाधीनता नापी चाहूँ से गांधीजी सहित ठीक भाव से मैंने मिसु नथिले तेणु यार सठिक आंसर कौन हेबो गांधी एवं तांकर सपोर्टर्स माने अपोज टू हिम सुभाष चंद्र बोस को अपोज करुथिले काहेकि ना से वायलेंस प्रोसेस रे जाउथिले सेति पई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वरचंद्र विद्यासागर ईश्वरचंद्र विद्यासागर कोटा करि नथिले मॉडर्न पोस्ट स्टाइल इन बंगाली या करि नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पब्लिक अकाउंट कमिटर चेयरमैन को किए अपॉइंट करते स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा स्पीकर करते लोकसभा मेंबर्स माने ऑपोजिट पार्टी चेयरमैन किए था ऑपोजिट पार्टी चेयरमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रॉयल एक्ट 1919 यह अनुसार कौटा सठिक स्टेटमेंट अटे बा कौटा फॉलो करुच्ची रॉयल एक्ट 1919 कौन कर कह तीन जन चारज जगार कथा कौन सी जगार अच्छा से विदाउट से बिना कौन से अरेस्ट कर दि जाऊला ता सहित दुई वर्ष डायरेक्ट जेल में भरी दि जाऊला कौन से ट्रायल करा कोर्ट को निला तेणु यार सठिक आंसर कौन है गवर्नमेंट कोर्ट इंप्रेशन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अर्थात कहारी कोर्ट को नहीं डायरेक्ट से माने जेल रे भरी दौले गवर्नमेंट कोर्ट सस्पेंड द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस बोथ स्टेटमेंट करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच अमेंडमेंट एक्ट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स यार आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करूँ 21 वर्ष रु 18 वर्ष कर दिगला वोटिंग एज कोई अमेंडमेंट एक्ट अनुसार केवे होता यार आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ और चैनल को एवं पर्यंत सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करूँ अन्य समस्त क्लास देखी ना आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे तेणु थैंक यू।